मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस फेम हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ हरियाणा के पलवल में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है। केस में उनके भाई करण मानीलम का नाम भी शामिल है। सपना की भाभी ने ननद सपना चौधरी सहित सास व पति पर शगुन में क्रेटा कार मांगने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहू के मायके वाले पहली बार उसके ससुराल में आते हैं और उसमें जो शगुन के रूप में गिफ्ट दिया जाता है उसे हरियाणा के पारंपरिक भाषा में छूचक कहा जाता है और इसमें महंगा सामान और गोल्ड भी देने का रिवाज भी है, जिसके बाद इन तीनों से पलवल के पुलिस थाने में पूछताछ की गई। हालांकि पुलिस ने पूछताछ का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि इन्हें दोबारा थाने में बुलाया जा सकता है। आपको बता दें कि पलवल की रहने वाली पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी दिल्ली के नजफगढ़ की निवासी करण के साथ 2018 में हुई थी। आरोपी करण मशहूर डांसर सपना चौधरी का भाई है। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए कई बार प्रताड़ित भी किया गया, कई बार उसके साथ मारपीट की गई। पति ने शराब के नशे में उसके साथ अप्राकृतिक यौन शोषण भी किया। मामला ये है सर, हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई है पलवल से। हमने उस पर CAWCL में काउंसलिंग कराई सर। काउंसलिंग में उनका कोई आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। फिर हमने उस पर FIR दर्ज कर ली सर। उसमें करण है, उनके हस्बैंड और उनकी मदर नीलम और उनकी बहन है सपना चौधरी, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की FIR दर्ज की सर। पीड़िता का आरोप है कि उसे बेटी हुई तो पति करण, सास नीलम व ननद सपना चौधरी ने दहेज के रूप में क्रेटा कार की डिमांड की। मायके वालों ने 3 लाख नगद सोना चांदी के आभूषण दिए, लेकिन ससुराल पक्ष क्रेटा गाड़ी की डिमांड पर अड़ा रहा। 6 महीने पहले पीड़िता ने पलवल थाने में ससुरालियों के खिलाफ शिकायत दी थी। आपको बता दें कि शिकायत की जांच के बाद पलवल महिला थाने में सपना चौधरी, करण, नीलम के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद से उन्हें जांच में शामिल होने के लिए महिला थाने में बुलाया गया था। इस दौरान आरोपी और पीड़ित पक्ष दोनों के वकील भी साथ रहे। DSP ने इस केस से जुड़े हर पहलू पर गहनता से पूछताछ की है। फिलहाल अभी तक यही निकल कर सामने आ रहा है कि सपना चौधरी और उनके भाई और उनकी मां को पुलिस थाने में बुलाया गया था, जिसके बाद उनसे गहनता से पूछताछ की गई है। फिलहाल इस मामले में क्या कुछ आगे निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।